गुजरात के नवसारी में बस गिरने से 15 लोगों की मौत। उकाई जाने के दौरान पूर्णा नदी में समाई बेकाबू गाड़ी, कई शहरों से पहुंची बचाव टीम। सूरत में 29 जनवरी को हुए सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, बाइक सवार युवक को महिंद्रा एसयूवी कार ने मारी टक्कर। पटियाला में महिला ने एक युवक की पिटाई की, युवक पर फोन से अभद्रता करने का आरोप। अमृतसर के गुरु बाजार में सोने की दुकान में दिन दहाड़े चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। राजस्थान के धौलपुर में कोर्ट कैंपस में दो गुटों के बीच झड़प, आरोपी की पिटाई के बाद बढ़ा बवाल। संत कबीर नगर में छेड़खानी से परेशान एक लड़की ने की एक शोहदे की जमकर पिटाई, पुलिस को बुलाकर पहुंचाया गया थाने। मुर्शिदाबाद में दो लोगों पर टूटा भीड़ का कहर, मानव तस्करी के आरोप में जमकर पिटाई हुई। हाथरस के थाना चंदपा पर दो गुटों में झड़प, मारपीट, पथराव, विरोध में वकीलों ने जाम लगाकर थाने का किया घेराव। मैनपुरी में 9 साल की बच्ची से रेप, आरोपी शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक घंटे तक चलता रहा सुसाइड ड्रामा, एक महिला की आत्महत्या की धमकी से सकते में रही पुलिस। मेरठ में हत्या के मामले में 3 निर्दोष होंगे बरी, 11 अभियुक्तों को होगी जेल। अमरोहा में एक टेलीकॉम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, हत्या के बाद कारोबारी में गुस्सा। लखीमपुर खीरी में शादी समारोह से लौट रही कार और ट्रक में भिड़ंत, दो की मौत। मिर्जापुर में स्कॉर्पियो कार ने ट्रक को मारी टक्कर, एक की मौत, 6 घायल। रामपुर रोडवेज बस स्टैंड पर एक बस में लगी आग, गनीमत यह रही कि किसी की नहीं गई जान। बुलंदशहर के डीएम के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में जेल गया शख्स हुआ रिहा, इस मामले में निकाला गया कैंडल मार्च। मुरादाबाद में दबंग समाजवादी पार्टी के नेता, उसके भाइयों पर महिला से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। फिरोजाबाद में यूपी सरकार के पूर्व मंत्री जयवीर सिंह, उनके दो बेटों पर बीडीसी सदस्यों के किडनैपिंग का केस दर्ज, जयवीर सिंह ने बताया साजिश। मैनपुरी में किडनैप किए गए बीडीसी सदस्यों का सामने आया वीडियो, 2 दिन पहले बीएसपी के 40 बीडीसी सदस्यों को किया गया था। उन्नाव आईपीएफ ने आजमगढ़ के एडीजी के खिलाफ दर्ज किया ट्रेन चेन पुलिंग का केस, चोरों के अटैची उठाकर ले जाने पर खींची थी चेन। देवरिया में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से हादसा, गर्म तारपूल की चपेट में आए कई लोग, एक मजदूर बुरी तरह से झुलसा। पीलीभीत में एक मंचले की छात्राओं ने की पिटाई, पुलिस के हवाले से आई खबर। मथुरा में गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त। हरदोई में किडनैपिंग की वारदात को पुलिस ने सुलझाया, मुख्य आरोपी समेत एक और लड़की को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में खाद्य विभाग की टीम ने कई कंपनियों के नूडल्स के लिए सैंपल, कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप। रोहा के गजरौला में ब्लॉक चुनाव के उम्मीदवार को पुलिस ने बनाया बंधक, नामांकन का वक्त निकलने के बाद छोड़ा, समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। मेरठ के रिंकू हत्याकांड में अपनी थ्योरी से बड़ी पुलिस, रिंकू के दोस्तों को किया गिरफ्तार, पहले रिंकू की गर्लफ्रेंड और उसके रिश्तेदारों को बताया था हत्यारा। मेरठ में टोल मांगने पर टोल कर्मियों की पिटाई, वारदात के बाद बदमाश हुए फरार। हापुड़ के बेलगुआ में गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन से संदिग्ध अवस्था में गिरी महिला, लूटपाट के बाद ट्रेन से फेंके जाने की आशंका। बिहार के दरभंगा में यूनिवर्सिटी के छात्रों का जमकर हंगामा, गाड़ियों में की तोड़फोड़, कुलपति के खिलाफ उठाई आवाज। हाजीपुर में 2 रुपए के लिए मर्डर, एक शख्स ने 14 साल के बच्चे को मार डाला। औरंगाबाद में 15 साल के बच्चे की मौत पर बवाल, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। पटना में एलजेपी नेता बृजनाथ सिंह को गोलियों से किया गया छलनी, राघोपुर से पटना जाते वक्त मार डाला। बेगूसराय में विदेशी महिला से लूट के मामले में 6 गिरफ्तार, लूटी गई तमाम संपत्ति सामग्री जब्त की गई।
बेगूसराय में मूर्ति चोरों ने एक युवक की हत्या की, 3 दुर्लभ मूर्तियां लेकर फरार। पटना में एक स्कूल से निकले जाने पर छात्र ने की आत्महत्या, पंखे से लटककर दे दी अपनी जान। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 25 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, कटिहार पहुंचाई जाने वाली थी नशे की खेप। पटना सिटी में फैक्ट्री से निकले जहरीले पानी के कारण 80 बीघा में फैले तालाब में मछलियां मरी, मछुआरों की मांग, फैक्ट्री मालिक करे भरपाई। देवघर में सियाचिन में मारे गए सैनिकों की शांति के लिए विशेष प्रार्थना सभा। सीतामढ़ी में छात्रों ने डीएम से शिक्षकों की शिकायत की, डराने के बाद भी नहीं माने डुबरा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय के छात्र। समस्तीपुर में अंधविश्वास का अजीबोगरीब वाकया सामने आया, एक लाश को जिंदा करने के लिए कब्र खोदकर घंटों तांत्रिक करता रहा ड्रामा। गया में एयरफोर्स का भीमकाय विमान ग्लोब मास्टर उतरा, विमान में थे नेवी के 127 अधिकारी। लातेहार के बालूमाथ में नक्सली चंद्रशेखर ठाकुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक रिवॉल्वर के साथ 5 जिंदा कारतूस भी जब्त। जामतला में स्कूल प्रिंसिपल को गांव वालों ने बनाया बंधक, ड्रेस बांटने में गड़बड़ी का लगाया प्रिंसिपल पर आरोप। चाईबासा में 3 थानों की पुलिस को गांव वालों ने बनाया बंधक, पत्थरबाजी में 8 पुलिसकर्मी हुए घायल। धनबाद में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर, सरकारी देशी शराब दुकान का मालिक गिरफ्तार। रांची में ब्राइड स्कूल के एक छात्र की संदेहास्पद स्थिति में मौत, स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज। जामतौड़ा में डकैती डालने आए बदमाशों से भिड़े डॉक्टर और उनकी पत्नी, डकैत का तमंचा भी छीना, घटना के बाद से मौके से भागे डकैत। लातेहार में पुलिस ने 10 एकड़ जमीन में लगी अफीम को किया नष्ट, कई लोगों पर केस दर्ज। दिल्ली में MCD हड़ताल पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, पूछा इतने गंभीर मामले पर आप लोग अभी तक क्यों सोते रहे, यूनियनों ने कर्ज की पेशकश ठुकराकर जारी रखी हड़ताल। दिल्ली में MCD कर्मचारियों का प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के खिलाफ लगाए नारे। दिल्ली पुलिस ने ISIS में भर्ती होने का प्लान बनाने वाले युवक मोहसिन को किया गिरफ्तार, मोहसिन ने हाल ही में रुड़की से गिरफ्तार आतंकवादी अखलाक को फाइनेंस के तौर पर दिए थे 50,000 रुपए। तंजानिया की छात्रा से बसूलूगी के मामले में 4 और गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का हुआ घेराव, सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी BJP महिला मोर्चा। हैदराबाद में नाइजीरियाई युवक ने स्थानीय लोगों पर लगाया हमले का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। दरियागंज में थाने से 100 मीटर की दूरी पर मिली लड़की की लाश, अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में बुजुर्ग महिला की हत्या, लूटपाट के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली में एक नाबालिग पर बुजुर्ग की हत्या का आरोप, एक छात्र की हत्या के मामले में रिहा होने के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। ट्विटर की मदद से दिल्ली पुलिस ने 6 साल के दिव्यांग बच्चे को ढूंढा, आगरा से लापता होकर पहुंचा था दिल्ली। फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों से पढ़ाई के बजाय कराई जा रही है मजदूरी, मिट्टी बदरपुर ईंट उठा रहे हैं बच्चे। बालाघाट में सिंचाई विभाग के आला अधिकारी के घर पर छापा, करोड़ों की संपत्ति बरामद। बैतूल में बाल गृह में नाबालिग की आत्महत्या की कोशिश, कैरम की गोटी निकलकर देना चाहता था जान। भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की छत से गिरने से छात्रा की दर्दनाक मौत, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में सरकार की शराब नीति पर उठे सवाल, देसी शराब की दुकानों से अंग्रेजी शराब बेचने के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। उज्जैन सिंहस्थ में नहीं मिलेगा राधे मां और नित्यानंद को प्रवेश, श्री ज्ञानदास जी महाराज ने दी जानकारी। अलवर में महिला डॉक्टर की मौत पर परिवार वालों का खुलासा, तार से गला घोटकर की गई हत्या। अलवर के भिवाड़ी में सेल टैक्स विभाग की टीम ने 21 कंपनियों पर मारे छापे, नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप। अलवर में पुलिस के कर्तव्यों का चिट्ठा खुला, दलित युवकों पर डंडों से पिटाई करने का आरोप। उदयपुर में अवैध बने वरुण मॉल को किया गया सीज, दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। पाक से सटे सरहद पर बंद चौकियों को फिर से खोलने की तैयारी, बीकानेर की 2 बंद चौकियों के साथ एक और नई चौकी खोलने का काम हुआ तेज।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में डूबने से 14 छात्रों की मौत के बाद हरकत में आई सरकार। नई गाइडलाइंस के तहत 10 बच्चों पर हुए टीचर रात और दूसरे राज्यों में पिकनिक मनाने पर लगाई रोक। मुंबई के गोरेगांव में 4 साल के बच्चे से दुष्कर्म, बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपराधी अपने साथ ले गया था, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ बेकाबू ट्रक, एक अन्य ट्रक को मारी टक्कर, दोनों ड्राइवर बुरी तरह से घायल। थाने में फर्जी स्टैंप पेपर घोटाले का पर्दाफाश, 1,14,000 रुपए के फर्जी स्टैंप पेपर हुए बरामद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ की मौत से वन विभाग में हड़कंप, बीते माह में भी बाघिन के 3 बच्चों की भूख से तड़पकर हो गई थी मौत। बीरभूम में राशन डीलर की पिटाई, ब्लैक मार्केट में राशन बेचने पर भीड़ ने पीटा। बीरभूम में डीएमसी के 2 गुटों में झड़प, एक शख्स घायल। कोलकाता में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने टीएमसी सांसद मुकुल रॉय को दी धमकी, कहा कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे मुकुल रॉय की बढ़ जाएगी मुश्किलें। कोलकाता में शारदा चिटफंड फंड घोटाले में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम समेत टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। तिनसुकिया में पलटी बस, कई जख्मी, 30 बीजेपी समर्थक थे सवार। कोलकाता में कारोबारी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। चिरांग में गैर कानूनी तरीके से लकड़ी की कटाई करने वाले टिम्बर मिल सीज, लाखों रुपए की मिली लकड़ी। हावड़ा में दिव्यांग के साथ बसलूगी परीक्षा केंद्र पर तैनात शिक्षक पर लगा आरोप। अलीपुरद्वार में चाय बागान में काम करने वाले मजदूर की भूख से मौत, बागान में काम करने वाले मजदूरों का दावा, 10 महीने से नहीं मिली थी सैलरी। कोलकाता में 40 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कॉन्क्लेव में हुए शामिल, उच्च शिक्षा पर करेंगे चर्चा। बस्तर के सुकमा में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, सीआरपीएफ और डीआरजी के साझा ऑपरेशन में मिली है ये कामयाबी। रायपुर में बीच सड़क पर पत्नी की हत्या कर पति भागा। बिलासपुर में मुंबई हावड़ा मेल में चोरों ने यात्रियों को 50 लाख से ज्यादा की लगाई चपत। नमदरी में गाय की तस्करी के आरोप में 6 गिरफ्तार। रायपुर में शिक्षा कर्मियों का प्रदर्शन, 3 दिन से मांगे पूरी नहीं होने पर सरकारी स्कूलों में तालाबंदी करने की दी चेतावनी। ओला कैब कंपनी के सीईओ की दादी और चाची के हत्यारे को लुधियाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के कोट बदले में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। जोशीमठ के हाथी पर्वत पर नहीं बुझ रही है आग, आग की वजह से जंगली जानवरों की जान पर खतरा। फरुखाबाद में गंगा नदी में गिरने वाले नालों को रोकने के लिए मांग को लेकर अनशन हुआ, संत हुए शामिल। उज्जैन में होने वाले महाकुंभ के दौरान यज्ञ के लिए वडोदरा में बनाई जा रही एक विशेष तरह की अगरबत्ती। एशिया कप T20 और वर्ल्ड T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, धोनी करेंगे टीम की कप्तानी, युवी को मिली टीम में जगह। रोहित शिखर, विराट, रहाणे, राणा, हरभजन, जडेजा भी T20 में शामिल, पंड्या, अश्विन, बुमराह भी टीम में। आशीष नेहरा, भवन नेगी, मोहम्मद शमी को भी दी गई T20 के लिए टीम में जगह, मनीष पांडे को नहीं मिली जगह। बीसीसीआई ने कहा लोढ़ा समिति की सिफारिशों से बचने की नहीं की जा रही कोशिश, जल्द इस पर करेंगे चर्चा। रविंद्र